आपसे फास्ट एंड फ्यूरियस, एक्वामैन, थॉर, एवेंजर्स, जितने भी सब हॉलीवुड मूवी है सब शाहरुख खान ही करेगा और कोई नहीं करेगा, ठीक है? जितना मूवी है सब शाहरुख खान करेगा। मतलब अब यूट्यूब ऐसा हो गया है कि भाई, एक पहले होता था कि मैं किसी के खिलाफ हेट फैलाऊंगा ज्यादा से ज्यादा, एक हो गया मैं किसी के खिलाफ किसी के लिए ज्यादा से ज्यादा मोहब्बत दिखाऊंगा, प्यार दिखाऊंगा, वो अलग बात है, वो पहले से होता था, वो अलग चीज है। लेकिन अभी क्या है, अभी मुझे वीडियो बनाना है, मुझे अपने सब्सक्राइबर, अपने जो व्यूअर्स है उन सबको चूतिया बनाना है, और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, मतलब बकचोदी के सारे लिमिट हम क्रॉस कर देंगे वो करने के लिए, और लोग चूतिया बनी। मैंने जस्ट कल वीडियो बना, कल मैंने वीडियो बना के मैंने बोला कि भाई शाहरुख खान फैंस को कैसे चूतिया बनाया जा रहा है, क्योंकि मतलब जितने इतने दंकी के बाद जितने भी वीडियो आ रहे थे शाहरुख खान को लेके, तो उसमें सारे के सारे मतलब ऐसे वीडियो थे कि मतलब बॉलीवुड साउथ में जितने भी बड़े बड़े डायरेक्टर है सबके साथ शाहरुख खान का मूवी आने वाला है। लोकेश कनकराज हो गया, धूम 4 हो गया, राजामौली भी हो गया, ये सब चल रहा था, क्योंकि भाई इनको पता है कि शाहरुख खान तो बड़ा मूवी करेगा, अभी एक्शन मूवी, बड़ा मूवी तो एक्शन डायरेक्टर जितने भी बड़ा बड़ा है, शाहरुख साउथ के ले लो, बॉलीवुड के ले लो, सबको लेके वीडियो बन चुका है। अब जब बात होगा, अब जब साइन होगा, जो मूवी साइन करेगा इसी में से किसी को एक के साथ करेगा, तब बोलेगा कि मैंने बोला है, मैंने, किसी ने नहीं बोला है, मैंने पूरा, मैंने मेरे 3-4 महीने पहले पीछे जाके मेरा वीडियो चेक कर लो, मैंने बोला है श्योर शॉट होगा, श्योर शॉट इन डायरेक्टर के साथ नाना द डांस ओनली शाहरुख खान मूवी करेगा, ऐसा ऐसा वीडियो बनेगा। अब इनका बकचोदी का लेवल इतना मतलब लिमिट क्रॉस कर दिया, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? अभी मैंने जब एक न्यूज देखा, मैंने एक वीडियो देखा, एक नहीं 3-4 वीडियो देखा, वहां पे बात हो रहा है, मतलब अब शाहरुख खान अगली फिल्म बब्बर शेर। पहले मैं लॉजिकल बात बताता हूँ, ठीक है? बब्बर शेर जो मूवी कबीर खान, इसका मतलब टाइटल तो अनाउंस, मतलब टाइटल इसका लॉक हो चुका है, ठीक है? और कबीर खान ने बोला कि अगर ये मूवी कोई करेगा तो सिर्फ सलमान भाई करेगा, अगर सलमान भाई ओके करे तो ये मूवी होगा, वरना नहीं होगा, मूवी को वैसे ही डब्बे में फेंक दिया जाएगा, ये मूवी वन एंड ओनली सलमान खान करेगा। लेकिन इनके हिसाब से बब्बर शेर, सलमान खान को बब्बर शेर से भी हटा दिया गया, बब्बर शेर मूवी शाहरुख खान करेगा। अब मतलब सारे डायरेक्टर खत्म हो गए हैं, अब बचा क्या, बचा सलमान भाई के आने वाले जो मूवी होने वाला है, तो उनको लो, मतलब और कोई डायरेक्टर तो बचा नहीं, सबको लेकर तो वीडियो बन चुका है, ठीक है? अब गैलीलियो जिंदा नहीं है, तो वो आइजैक न्यूटन साहब, गैलीलियो साहब, इन सबको लेके भी वीडियो बन चुका होता, तो वो लोग तो जिंदा नहीं है, इसीलिए यहाँ तक कि गांधी जी को भी नहीं छोड़ते, अगर गांधी जी जिंदा होते तो गांधी जी को लेके, गांधी जी के साथ शाहरुख खान का मूवी आने वाला है, ऐसा वीडियो आ जाता, ठीक है? तो अभी सलमान भाई का आने वाला मूवी है, उनको ले लो। अरे भाई तुम्हारे हिसाब से ना, तुम्हारा हिसाब से अभी शाहरुख खान के लिए, शाहरुख खान का नेक्स्ट मूवी मैं बता रहा हूँ, तुम क्या बताओगे? तुम्हारे हिसाब से इतना टॉपिक मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इस टॉपिक पे रोज एक एक करके वीडियो बना दो, रोज लाखों में व्यूज आ जाएगा, कोई टेंशन ना लो, तुम्हारे घर में रोटी पक जाएगा। अभी शाहरुख खान एवेंजर करेगा, थॉर करेगा, आयरन मैन करेगा, स्पाइडर मैन करेगा, ऐसा ऐसा करेगा, ठीक है? उसके बाद फास्ट एंड फ्यूरियस करेगा, उसके बाद एक्वामैन करेगा, यहां तक कि सबसे बिग मूवी हॉलीवुड का वो भी शाहरुख खान के लिए बनेगा। टाइटेनिक ऑन हो चुका है, टाइटेनिक 2 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा, 5 बनेगा। टाइटेनिक 2 में टाइटेनिक डूब के कैसा हुआ, उसमें भी शाहरुख खान होगा। 3 में अभी टाइटेनिक कैसा है, उसमें भी शाहरुख खान होगा। 4 में टाइटेनिक 2050 में कैसा होगा पानी के अंदर, उसमें भी शाहरुख खान होगा। 5 में 50 के बाद जब टाइटेनिक का जो मलवा जो है वो सब मतलब बच के गल के मतलब छड़े हुए वो सब तैर के मछली खाएगा या कोई उठा के ले जाएगा म्यूजियम में रखने के लिए, उसमें भी शाहरुख खान होगा। तुम्हारे हिसाब से मैं तुमको टॉपिक दे रहा हूँ ना, ठीक है? आज से ये वीडियो देख के तुम लोग वीडियो बनाओ, रोज लाखों में व्यूज, पैसा खत्म, आज रोटी नहीं, चिकन बिरयानी होगा घर में, कोई टेंशन ना लो। तो भाई इस हिसाब से बकचोदी चल रहा है, इस हिसाब से। और एक बात सुन लो, बब्बर शेर मूवी शाहरुख खान क्या, कोई खान नहीं करेगा, वन एंड ओनली सलमान खान। बब्बर शेर मूवी कबीर खान सलमान खान को छोड़ के किसी को नहीं लेगा, वो शेर दिल इंसान का पर्सनालिटी ने उस जो बात दबंग में कहा था कि मेरा तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम है रॉबिनहुड पांडे, मेरा नाम मेरे पर्सनालिटी को शोभा देता है, तो बब्बर शेर नाम पर्सनालिटी को शोभा देने वाला एक बंदा भी चाहिए, और वो कौन है वो सबको पता है।
ठीक है। अब तुम बोलोगे कि तुम शाहरुख खान के तो हेटर नहीं है, मैं तो हेटर्स कहाँ हूँ भाई, मैं इनके ये लोग जो वीडियो बना रहे हैं इनका मैं रिप्लाई कर रहा हूँ कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा ऐसा तुम्हारे हिसाब से ऐसा भी होगा, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से ऐसा ऐसा ये भी होगा। अरे भाई साहब मैं तो भूल ही गया, अभी जितने आने वाले वेब सीरीज है वो सब शाहरुख खान ही करेगा। मनी हाइस्ट वो पार्ट आने वाला है, उसमें भी शाहरुख खान ही होगा, टेंशन ना लो, तुमको हजार लाखों टॉपिक मैं दूंगा, तो वीडियो बनाते जाओ, चिकन बिरयानी चबा के खाओ, ठीक है। तो ऐसा बकचोदी चल रहा है। अगर अगर शाहरुख खान के फैंस को बोल रहा हूँ कि अगर अगर दिमाग में कुछ है तो इनको देखना बंद करो, वरना अगर मजा आ रहा है चुतिया बनने में तो बनो एज यू विश, कोई दिक्कत नहीं मेरा, ठीक है, तो बनते रहो। तो इस लेवल का बकचोदी कैसा लग रहा है आपको, मैंने इनको जो टॉपिक दिया वो भी कैसा लगा है आपको, कमेंट्स में जरूर लिख के जाइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। चैनल में नए हो और ऐसी एंटरटेन होना चाहते हो तो चैनल के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय सलमान भाई।